बेटा अब आपको ये आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, मुझे आप देख रहे हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में ले जा रही है सेल्स, वो जो सेल्स नर्व सेल्स हैं वो इन्फॉर्मेशन ले कैसे जाती हैं? आखिर ऐसा नर्व सेल में है क्या जो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी बात को सुन पाते हैं, किसी चीज को महसूस कर पाते हैं, ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी हो, ऐसा आखिर हमारी नर्व सेल में क्या ऐसी कला है, क्या ऐसी चीज नेचर ने डेवलप की है कि हम किसी चीज को महसूस कर सकते हैं? जैसे आपकी एनसीईआरटी में एक टॉपिक लिखा है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, उसके नीचे मैंने अपने मन से लिखा एक थ्योरी है आयनिक थ्योरी ऑफ नर्व कंडक्शन, उसे हॉटकिन और हक्सले ने दिया था। जैसा कि आपको पता है कि नर्व सेल्स तीन तरह की हैं, एक सेंसरी नर्व सेल्स हैं जो मैसेज जो है बॉडी के रिसेप्टर से ब्रेन के पास ले जाती हैं, एक मोटर है जो ब्रेन से बॉडी रिसेप्टर में मैसेज ले जाती हैं, तीसरी वो है इंटर न्यूरॉन है जो मैसेज ले भी आती है मैसेज ले भी जाती है। तो आखिर हमारी बॉडी में कौन से केमिकल है हमारी नर्व सेल में जिनके कारण हमारी बॉडी अपने कम्युनिकेशन को स्प्रेड कर पाती है, बढ़ा सकती है, आइए देखा जाए। तो जैसे अगर आप किसी नर्व सेल को देखते हैं, मैंने लिखा है आयनिक थ्योरी ऑफ नर्व कंडक्शन, इस थ्योरी को हॉटकिन और हक्सले ने दिया था, एक साइंटिस्ट हैं हॉटकिन और हक्सले, उन्होंने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को दिया था। हॉटकिन और हक्सले कहते क्या है, वो सबसे पहले ये बात एक्सप्लेन करते हैं, आप सबसे पहले ये बात यहां सीखने का प्रयास करें। सबसे पहले ये देखिए, ये नर्व सेल है, ये नर्व सेल की एक्सोलेमा है, अगर आप समझ पाए तो मैं यहां लिख देता हूं कि भाई ये नर्व सेल की एक्सोलेमा है, एक्सोलेमा है, इसके अंदर ये जो तो आपको मैं आज ये पढ़ाना चाहता हूं कि आखिर नर्व से जो न्यूरॉन्स हैं उनसे मैसेज कैसे कंडक्ट होता है। जैसे आपने पढ़ा तीन तरह के न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो ब्रेन से बॉडी के रिसेप्टर के पास मैसेज लेके जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो रिसेप्टर से बॉडी के ब्रेन के पास मैसेज लेके जाते हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं जो ब्रेन से बॉडी रिसेप्टर के पास मैसेज लेके जाते हैं, इंटर न्यूरॉन्स हैं जो दोनों काम करते हैं। तो आखिर ये जो मैसेज आता जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जनरल भाषा में नर्व कंडक्शन कहते हैं। तो नर्व कंडक्शन जो होती है वो आयनिक फॉर्म में होती है, कुछ आयंस जो इस काम को करते हैं, आइए देखा जाए वो कौन कौन से आयंस जो ये काम कर रहे हैं। देखिए मैंने लिखा है, हेडिंग डाला है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये एनसीईआरटी की लाइन है, सबसे पहले आपके समझ लें ये एनसीईआरटी की लाइन है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। फिर हमने हेडिंग डाली है आयनिक थ्योरी ऑफ नर्व कंडक्शन, इसे हॉटकिन और हक्सले ने दिया है, और मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि ये एक एग्जान है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये एग्जान है, ये सोमा है और आगे डेंड्राइट्स है। तो आखिर ये जहां से एग्जान जनरेट होते हैं उस जगह को एग्जान हिलक कहते हैं, एग्जान के अंदर ये जो मेम्ब्रेन है, एग्जान की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे एक्सोलेमा कहते हैं, और इसके अंदर ये जो फ्लूड भरा हुआ है इसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं। हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि ये जो एक्सोप्लाज्म है इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, सबसे हायर फॉर्म में नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स हैं, इनका सबसे हायर कंसंट्रेशन है। अगर हमें लिखना होगा तो इन्हें माइनस पी से लिखेंगे, मतलब एक्सोप्लाज्म में अगर आप देखें तो माइनस पी का मतलब हुआ कि यहां पर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स बहुत सारी हैं, इतनी ज्यादा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं कि अंदर का जो चार्ज है वो माइनस है। ये देखिए भाई, अगर आपकी क्लास में सब ज्यादा लड़कियां होंगी तो आपकी पूरी क्लास का चार्ज क्या होगा, लड़कियां होंगी,
तो ये जो अलग बात है, निगेटिव चार्ज प्रोटीन्स है, मतलब अंदर एक्सोप्लाज्म में सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज प्रोटीन्स है। दूसरे नंबर पर अगर आप देखें, इसमें नंबर पर दूसरे देखिए पोटेशियम आयन है। तो अगर आप चाहें पोटेशियम आयन है, अगर आपने यहाँ पर डबल एरो लगाया तो आप यहाँ सिंगल एरो लगाएं, ताकि आपको ये पता चले कि यहाँ पर जो दूसरा चार्ज है वो पोटेशियम आयन का है। ये देखिए पोटेशियम आयन का दूसरा चार्ज है, लेकिन इन दोनों में अगर प्रोटीन और पोटेशियम आयन में देखा जाए तो प्रोटीन का चार्ज ज्यादा है। ये देखिए प्रोटीन का चार्ज ज्यादा है जिसपे निगेटिव चार्ज है, उसके बाद पोटेशियम आयन पड़े हुए हैं। तीसरे चार्ज को अगर देखा जाए बेटा, जो तीसरा चार्ज है यहाँ पर, तो वो चार्ज है सोडियम आयन का। मतलब सोडियम आयन बहुत ही लोअर कंसंट्रेशन में है, एक दो मॉलिक्यूल हैं सोडियम के जो इसके अंदर पड़े हैं। आप कह सकते हैं कुछ सोडियम के मॉलिक्यूल अंदर पड़े हुए, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ये एक्सोप्लाज्म की बात है। अगर हम एक्सोप्लाज्म में, आप सबसे ज्यादा किसका चार्ज है, निगेटिव चार्ज प्रोटीन्स का, दूसरा चार्ज किसका है पोटेशियम का, सबसे कम चार्ज किसका है सोडियम आयन का। अगर आप आउटसाइड मतलब ईसीएफ की बात करें, आउटसाइड मतलब ईसीएफ की बात करें, ईसीएफ मतलब इस नर्व सेल के बाहर का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसकी अगर बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा चार्ज सोडियम आयन का है। ये देखिए सोडियम आयन का चार्ज सबसे ज्यादा है, तो आप एक काम करें यहाँ पर ढेर सारे सोडियम आयन के मॉलिक्यूल्स को बना दें आप, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई ये सोडियम आयन के चार्जेस हैं जिनका कंसंट्रेशन आउटसाइड ऑफ नर्व सेल बहुत ज्यादा है। ये देखिए सोडियम आयन का चार्ज सबसे ज्यादा है इस आउटसाइड वाले एरिया में। इस सोडियम आयन के पास जो दूसरा चार्ज है, अगर आप देखें जो दूसरा चार्ज है वो है क्लोराइड आयन का। ये दूसरा चार्ज है, बड़ा चार्ज। तो आप एक काम करें यहाँ पर क्लोराइड आयन बीच बीच में दिखा दें, तो सबसे ज्यादा चार्ज जो है सोडियम का है, उससे जो कम चार्ज है वो क्लोराइड का है। ये देखिए अब बचा क्या। अब अगर आप बचने की बात करें तो यहां पर जो सबसे कम चार्ज है वो है पोटेशियम आयन का। ये देखिए पोटेशियम आयन के कुछ चार्जेस हैं इन जगहों पे, तो आप एक बात लिख दीजिए कि इन जगहों पे पोटेशियम आयन का चार्ज सबसे कम है। तो अगर आप अब देखें तो स्थिति क्या है कि एक्सोप्लाज्म में निगेटिव चार्ज प्रोटीन ज्यादा है इस लोकेशन में, उससे कम चार्ज पोटेशियम का, सबसे कम चार्ज सोडियम का है। बाहर की साइड अगर आप देखें तो सोडियम आयन का जो चार्ज है सबसे ज्यादा है, उससे कम चार्ज क्लोराइड का, और सबसे कम चार्ज किसका है पोटेशियम आयन का है। अगर आप इस बात को ऐसे क्लियर बता दें कि सर इस तरह से अगर हम इस मेम्ब्रेन को देखें तो इस मेम्ब्रेन की हालत कुछ ऐसी है। इस मेम्ब्रेन में अगर हम लोग इसी बात को ऐसे देखें तो ये देखिए इस मेम्ब्रेन में अंदर जो चार्ज है वो माइनस है। माइनस चार्ज अगर है तो मैं आपसे पूछूं क्यों, आप क्या कहेंगे माइनस चार्ज अंदर क्यों है, क्योंकि अंदर सबसे ज्यादा चार्ज किसका है प्रोटीन्स का। टोटल चार्ज अगर अंदर देखा जाए तो वो माइनस का चार्ज है। कैसा चार्ज है, माइनस का चार्ज है। और अगर आप बाहर की तरफ देखते हैं तो बाहर का जो चार्ज है वो प्लस का चार्ज है। मतलब ये प्लस का चार्ज है, आपको ये बात सीखनी है। ये देखिए इस एक्सोलेमा के मतलब बाहर का जो चार्ज प्लस क्यों है, क्योंकि प्लस बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और अंदर का जो चार्ज है वो निगेटिव इसलिए है क्योंकि प्रोटीन सबसे ज्यादा है। अगर आपको और भी क्लियर करना है तो देखिए एक्सोलेमा, पहले आप एक बात लिख लें, एक्सोलेमा इज इम्परमेबल टू, इम्परमेबल मतलब उससे पास नहीं हो सकती है। एक्सोलेमा इज इम्परमेबल टू दो नाम, एक तो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स एंड क्लोराइड आयन। अब आपके एक मैं एक समस्या हल कर देता हूं कि ये जो मेम्ब्रेन है एक्सोलेमा, ये जो आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं एक्सोलेमा, इस एक्सोलेमा से प्रोटीन यहां से यहां नहीं जा सकती है और बाहर से अंदर क्लोराइड नहीं आ सकता है। एग्जैक्टली एनसीईआरटी ने ये बात लिखी है और मैं चाहता हूं ये बात आपके समझ में आ जाए। फिर सुन ले, अंदर की प्रोटीन बाहर नहीं जा सकती है, बाहर का क्लोराइड अंदर नहीं आ सकता है, तो आ जा कौन सकता है, आ जा सकते हैं केवल सोडियम और पोटेशियम। केवल कौन आ सकता है, सोडियम और पोटेशियम। अब ये जो एक्सोलेमा है, इस एक्सोलेमा से इसमें तीन तरह के चैनल्स हैं। ये जो एक्सोलेमा है अगर यहां पर देखिए तो तीन तरह की व्यवस्थाएं हैं जिनसे कोई चीज आ जा सकती है। पहली व्यवस्था है जिसे डिफ्यूजन कहते हैं। ये देखिए डिफ्यूजन है जिसमें हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चीजें मूव करती हैं।
मतलब अगर एक्सचेंज के तरीके देखें, अगर आप ये देखें कि एक्सेलिमा में टाइप्स ऑफ एक्सचेंज कितने तरह के हैं, टाइप ऑफ एक्सचेंज कितने के हैं, तो पहला जो तरीका है आप कह सकते हैं, जो पहला तरीका सर है वो डिफ्यूजन है। पहला तरीका क्या है आप कहेंगे सर, वो पहला तरीका है जो डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा सकती है इस एक्सोलेमा में। तो अगर मैं आपसे पूछूं डिफ्यूजन के थ्रू कौन आ सकता है, तो आप कहेंगे सर बाहर सोडियम का, देखिए बाहर सोडियम का चार्ज ज्यादा है और अंदर पोटेशियम का चार्ज ज्यादा है। तो इस तरह से अगर आप देखें डिफ्यूजन के थ्रू, बाहर से अंदर सोडियम आ सकता है और अंदर से बाहर पोटेशियम जा सकता है। यह पहला तरीका हो गया टाइप ऑफ एक्सचेंज इन एक्सोलेमा। यह पहला तरीका हो गया इस एक्सोलेमा में एक्सचेंज का, पहला तरीका हो गया कौन सा, डिफ्यूजन। दूसरा जो तरीका है इसका वो है सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप। सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप ये दूसरा तरीका है। अगर आप सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप देखते हैं, अच्छा ये जो डिफ्यूजन है ये पैसिव है, इसमें कोई एनर्जी नहीं खर्च होती है। मतलब सोडियम बाहर से अंदर चला आता है और अंदर का पोटेशियम बाहर चला जाता है, जिसमें कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती है। दूसरा तरीका अगर आप देखें तो दूसरा तरीका इसका ये है, यहां पे देखें ये सोडियम पोटेशियम पंप है। देखिए सोडियम आयन और पोटेशियम आयन पंप है, ये देखिए सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप है। अगर आप देखें तो अंदर से बाहर तीन सोडियम जाता है, अंदर से बाहर, मतलब अंदर सोडियम ज्यादा है या बाहर ज्यादा है। आप कहेंगे सर अंदर सोडियम कम है बाहर सोडियम ज्यादा है, तो सोडियम तीन सोडियम बाहर जाता है अंदर से बाहर, और बाहर से अंदर दो पोटेशियम अंदर आता है। ये देखिए, तो आप अगर आप देखें तो ये जो पंप वाला सिस्टम है इसमें अगर आप देखें तीन सोडियम बाहर जा रहा है दो पोटेशियम अंदर आ रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पर लोअर टू हायर काम हो रहा है, इसमें लोअर टू हायर काम हो रहा है। जब लोअर टू हायर काम हो रहा है बेटा, इसी बात को आप यहां ले सकते हैं कि सर देखिए तीन सोडियम आयन अंदर बाहर जा रहा है, इसके बदले में दो पोटेशियम अंदर आ रहा है। पोटेशियम आयन की प्रोबेबिलिटी सोडियम का बैरियर में ज्यादा है, इसे सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। यहाँ लोअर टू हायर काम हो रहा है, इसलिए ये जो प्रक्रिया ये एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एटीपी खर्च होगी। तीसरी जो प्रक्रिया है अगर आप देखें, तीसरी है सोडियम आयन पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल। वीजीसी माने हुआ वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम आयन पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल है। ये देखिए ये सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल जब खुलेगा तो बाहर से सोडियम तेजी से अंदर आएगा, पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल जब खुलेगा तो अंदर से पोटेशियम बाहर जाएगा। ये दो चैनल्स हैं, इन्हें वोल्टेज गेटेड चैनल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चैनल तब खुलते हैं जब यहाँ का वोल्टेज चेंज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है, ओपन होते हैं ड्यू टू चेंज इन वोल्टेज। तो ये तीन तरीके हैं ड्यू टू चेंज इन वोल्टेज। ये देखिए ये तीन तरीके हैं जिनके द्वारा चीजें एक्सचेंज होती हैं इसमें। तो एक तरीका हो गया जब डिफ्यूजन से हाइट लोअर चीजें मूव करती हैं इस एक्सोलेमा के थ्रू। दूसरा है जब सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप है, तीन सोडियम बाहर दो पोटेशियम अंदर आ रहा है, यहाँ पर लोअर टू हायर काम हो रहा है, इसलिए ये एक्टिव प्रोसेस है। और तीसरी जो प्रक्रिया है उसे वोल्टेज गेटेड चैनल प्रक्रिया कहते हैं। ये देखिए ऐसे आप घेर लीजिए, लिख लीजिए, ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। मतलब एक्सोलेमा के थ्रू आप ऐसे समझे कि ये जो मेम्ब्रेन एक्सोलेमा उसके थ्रू तीन तरीके से आयन एक्सचेंज कर सकते हैं। दो आयन बिल्कुल मूव नहीं कर सकते हैं, अंदर का प्रोटीन बाहर नहीं जा सकता है, बाहर का क्लोराइड अंदर नहीं आ सकता है, उसके लिए इम्परमीएबल है। फ्री हो गया। और तीन तरीके हैं, जैसे आपके घर में तीन आने के तरीके हैं, एक घर के बाहर बड़ा सा चैनल लगा है, कब खोलते हैं जब आपके यहाँ फोर व्हीलर आती है, फिर दरवाजे लगे हैं खिड़कियां लगी हुई हैं, तो जो चैनल लगा है कब खुलता है, जब घर में कोई आता है घर का वोल्टेज चेंज होता है चैनल खुल जाता है। दरवाजे हैं जिनमें हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप है, अगर तीन लोग अंदर आएंगे तो दो लोग बाहर जाएंगे। और तीसरा तरीका है डिफ्यूजन, जिसमें हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, इसको आप ट्रेनों में देख सकते हैं, जब लोग नीचे बाहर लोग ज्यादा होते हैं अंदर कम होते हैं तो ढकेल के प्रयोग अंदर कर देते हैं मुंबई की ट्रेनों में। तो एक्सोलेमा के अकॉर्डिंग तीन तरीके हैं एक्सचेंज करने के। और मैंने आपको पहले ये बता दिया कि अंदर किसका चार्ज ज्यादा है किसका कम है, आप एनसीईआरटी में एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अंदर प्रोटीन्स ज्यादा है
ये मैंने लिख दिया है नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स, उससे कम पोटेशियम और सबसे कम सोडियम है, बाहर सबसे ज्यादा सोडियम है, उससे कम क्लोराइड है और सबसे कम पोटेशियम आयन है। मतलब मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि अंदर बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर सोडियम कम है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है, बाहर पोटेशियम कम है। तो पंप क्या करता है, तीन सोडियम को बाहर फेंकता है और उसे कंपेरिजन में दो पोटेशियम को अंदर करता है, इस तरह से पोटेशियम आयन की परमिबिलिटी ज्यादा होती है। इस तरह से अगर आप देखें तो एक कंडीशन होती है जब अंदर का चार्ज निगेटिव होता है, बाहर का चार्ज पॉजिटिव होता है, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि ये पोलराइज स्टेट है। कैसी स्टेट है, पोलराइज स्टेट है। आइए देखा जाए, अब मुझे लगता है कि आपके बात समझ में आ गई होगी कि एक्सोलेमा के थ्रू तीन मोड ऑफ एक्सचेंज है। ये देखिए मोड ऑफ एक्सचेंज तीन तरीके के हैं, मोड ऑफ एक्सचेंज तीन तरीके से हैं, और कौन कौन से एक्सचेंज है आप देख लें। पहला तरीका है डिफ्यूजन, दूसरा है सोडियम पोटेशियम पंप, तीसरा है वोल्टेज गेटेड चैनल, जिनके थ्रू दो चीजें कभी आ नहीं जा सकती, अंदर का प्रोटीन बाहर नहीं जा सकता है, बाहर का क्लोराइड अंदर नहीं आ सकता है, जो भी एक्सचेंज होंगे वो सोडियम और पोटेशियम का ही होगा। आइए हम लोग अब देखते हैं कि के मेम्ब्रेन पोलराइज कैसे होती है, डिपोलराइज कैसे होती है, हाइपरपोलराइज कैसे होती है। आइए देखा जाए ये न्यूरॉन का पोलराइज होता है और किस तरह से कंडक्शन न्यूरॉन्स का हो रहा है। तो पोलराइजेशन माने ये हुआ, पोलराइजेशन माने सबसे पहले समझें कि जो एक्सोप्लाज्म का चार्ज है, मतलब जो अंदर का चार्ज है, एक्सोप्लाज्म का चार्ज है, अगर आप टोटल चार्ज देखें एक्सोप्लाज्म का, तो ये चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब अंदर का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अंदर का टोटल चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जबकि ईसीएफ या बाहर का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो एक तरफ इलेक्ट्रो चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इस तरह से कह सकते हैं कि सर इसमें जो ये न्यूरॉन्स है, इन न्यूरॉन्स में दो तरह के चार्ज है, अंदर पूरा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बाहर का जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसलिए ये पोलराइज स्टेट में न्यूरॉन है, पूरा का पूरा न्यूरॉन पोलराइज है। अगर ऐसी घटना इधर है तो इधर भी होगी, तो ये न्यूरॉन इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव है। इस समय अगर आप देखें तो इस न्यूरॉन की जो टेंडेंसी है, इसमें पोटेशियम आयन के लिए ये परमेबल है, पोटेशियम आयन परमेबल है, मतलब ये हुआ कि अंदर का जो पोटेशियम है वो मूव करके बाहर जा रहा है। ये देखिए क्योंकि पोटेशियम का मॉलिक्यूल अंदर ही है, तो इसलिए ये पोटेशियम के लिए आयन के लिए परमेबल है, अंदर का जो पोटेशियम है वो मूव करके बाहर की तरफ जा रहा है। नॉर्मल कंडीशन में आप ये कह सकते हैं सर अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज वो बाहर की तरफ जा रहा है, तो अंदर कौन सा चार्ज बढ़ेगा, जाहिर सी बात है कि अंदर के लिए ये जो है अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये न्यूरॉन जो है ये सोडियम आयन के लिए नियरली इम्परमेबल है, अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो यही पर लिखा गया है नियरली इम्परमेबल है। अगर आप मैं सिंपली पूछूं कि सर ये बताओ यार कि जब सोडियम आयन के लिए नियरली इम्परमेबल है, इसका मतलब बाहर का सोडियम अंदर नहीं आ रहा है, तो जब बाहर का सोडियम अंदर नहीं आ रहा तो बाहर का सोडियम अंदर नहीं आ रहा, अंदर का पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो बाहर टोटल चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव, और अंदर टोटल चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव। और इस समय अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रोमीटर लगाएंगे, वोल्टा मीटर लगाएंगे, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये -62 -85 मिलीवोल्ट वेरी करेगी। ये देखिए यहां पर अगर आप वोल्टा मीटर लगाएंगे तो आपको -60 to -85 मिलीवोल्ट दिखाई पड़ेगी, लेकिन इसका अगर हम एवरेज निकालें तो ये -70 मिलीवोल्ट दिखाई पड़ेगी। इस -70 मिलीवोल्ट को हम लोग रेस्टिंग एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, रेस्टिंग एक्शन पोटेंशियल है। ये देखिए मतलब -70 मिलीवोल्ट पर अगर ये न्यूरॉन है तो ये रेडी है किसी भी स्टूडेंट को लेने के लिए। मैंने अभी बताया कि आयंस के एक्सचेंज के यहाँ तीन तरीके हैं, एक डिफ्यूजन है, एक सोडियम पोटेशियम पंप है और एक वोल्टेज गेटेड चैनल्स है। तो आइए आप एक चार्ट बना लेते हैं, देखते हैं क्या एक्सचेंज में क्या हो रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ पर आप एक लिख लें कि इवेंट है, ये एक ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा, इवेंट्स, दूसरा आप बना लें इवेंट्स के बाद, दूसरा आप बना लें सर ये डिफ्यूजन का एक ग्राफ बना लें कि सर डिफ्यूजन का बना लें, दूसरा आप सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप का बना लें, सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप का बना लें, और देखिए सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल का बना लें, फिर आप पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल का बना लें, फिर इनसाइड चार्ज, इनसाइड चार्ज मतलब अंदर का चार्ज कितना है,
इनसाइड चार्ज आप बना लें। ये हो गई आपकी एक टेबल, टेबल हो गई। इवेंट्स में जो पहला इवेंट है, अगर आप पहला इवेंट लिखना चाहते हैं कि भाई ये देखिए पहला इवेंट कौन सा है, तो पहला इवेंट आपने वहां हेडिंग डाली है कि सर पहला जो इवेंट है, इस इवेंट को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। ये देखिए पहला इवेंट है जिसे हम लोग पोलराइजेशन कह रहे हैं। तो पोलराइजेशन में अगर आप देखें तो डिफ्यूजन ऑन है, सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप भी ऑन है, ये देखिए। और अगर आप देखिए तो सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप देखें तो ये जो पंप है ये वाला पोटेशियम आयन, ये पंप बंद है, ये पोटेशियम आयन पंप ऑन है। और अंदर का अगर आप चार्ज देखें तो निगेटिव है, और ये चार्ज -62 -85 मिलीवोल्ट हो सकता है। ये देखिए ये पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो गया जिसमें हमने आपको बताया कि डिफ्यूजन इस समय चल रहा है, हाइड लोअर सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप ऑन है, तीन सोडियम बाहर आ रहे हैं तो पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, तीन सोडियम बाहर जा रहे हैं तो पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। और इसमें सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल बंद है, पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल ऑन है। और इस तरह से आप देखिए बाहर का जो अंदर का पोटेशियम वो बाहर जा रहा है लेकिन बाहर का पोटेशियम अंदर नहीं आ रहा है। इसमें अगर आप चार्ज लगाएंगे तो इसकी चार्ज का जो वेरिएशन है -62 -85 मिलीवोल्ट हो सकता है, लेकिन एवरेज जो है वो -70 मिलीवोल्ट होता है। ये नॉर्मल है। इसमें ये जो न्यूरॉन है या एग्जाम इज रेडी फॉर, एग्जाम इज ready for taking a stimulus, ये किसी भी stimulus को लेने के लिए तैयार है। stimulus चाहे वो physical हो चाहे जैसा हो mechanical हो, ये सारे stimulus लेने के लिए तैयार है। polarization के बाद जो दूसरा state होता है उसे हम लोग depolarization कहते हैं। depolarization इसमें इस न्यूरॉन पे टोटल चार्ज कितना है, -70 मिलीवोल्ट है, जिसपे किसी भी एक्शन पोटेंशियल को लेने के लिए तैयार है। मान लीजिए आपने इस जगह पर न्यूरॉन को स्टिमुलस दिया, यहां पर देखिए आपने यहां पर क्या दिया, स्टिमुलस दिया। जैसे मैं आपको स्टिमुलस दे रहा हूं पढ़ने के लिए, आपने ये साइट ए है, एनसीईआरटी ने इस लोकेशन को साइट ए लिखा है, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं, हम आपको इसे बताना चाह रहे हैं कि आपने इस जगह पर स्टिमुलस दिया। जैसे ही आप स्टिमुलस देंगे इसकी जो परमिटिविटी है तुरंत रिवर्स कर जाएगी, परमिटिविटी रिवर्स कर जाएगी। अब ये क्या होगा, सोडियम आयन के लिए परमेबल होगा, सोडियम आयन के लिए परमेबल होगा और पोटेशियम आयन के लिए इनपरमेबल होगा। ये जो न्यूरॉन है इसकी परमिटिविटी रिवर्स कर जाएगी, फट से चेंज कर जाएगी। अब ये सोडियम आयन के लिए परमेबल होगा, पोटेशियम आयन के लिए इनपरमेबल होगा। अगर आपको इसका फिगर बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं कि सर देखिए ये न्यूरॉन है, ये आपने इस लोकेशन पे दिया है तो इसके आगे का चार्ज ये क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि आपने स्टिमुलस इस लोकेशन पे दिया है, पूरे न्यूरॉन पे आप स्टिमुलस नहीं दे सकते हैं। और ये बाहर का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, आपने इस तरह से यहां पर चार्ज जनरेट कर दिया है। ये अगर आपसे पूछा जाए तो किस स्टेट में है, तो आप कहेंगे सर ये तो पोलराइज स्टेट में है, लेकिन जहां पर आपने चार्ज दिया वहां क्या हुआ, जिस ये जो मैंने लिखा है वो इस जगह पे है, हो क्या रहा है कि बाहर का सोडियम मूव करके अंदर आना शुरू कर रहा है। ये देखिए बाहर का सोडियम मूव करके अंदर आना शुरू कर रहा है। जब बाहर का सोडियम मूव करके अंदर आएगा मतलब इस जगह का सोडियम मूव करके यहां आएगा और अंदर का पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा, तो इस लोकेशन पे चार्ज कौन से बढ़ेंगे बताइए भाई। अगर बाहर का सोडियम अंदर आएगा और अंदर का पोटेशियम मूव करके बाहर नहीं जाएगा, एक चीज और आप देखें तो ये डीपोलराइजेशन स्टेट है। आप एक बात ये सोचिए डीपोलराइजेशन स्टेट है, यहां पर डिफ्यूजन तो चलता ही रहेगा, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं पंप यहां बंद हो गए, पंप क्यों बंद हो गया मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि अगर पंप चलता रहता तो जितना सोडियम यहां आता, जितना बाहर का सोडियम यहां एक्सोप्लाज्म में आता इतना सोडियम निकल के फिर से बाहर चला जाता, तो अंदर का चार्ज उल्टा ना हो पाता। लेकिन केवल बाहर पंप मैंने बंद कर दिया, आप ध्यान से देखें जब पंप मैंने बंद कर दिया तो जो बाहर से अंदर सोडियम आ रहा है वो सोडियम मूव करके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि पंप ही तो सोडियम को बाहर फेंकता है, कितने सोडियम, तीन सोडियम। तो जब बाहर का सोडियम अंदर आ रहा है और अंदर का पोटेशियम बाहर नहीं जा रहा है, इस तरह से अगर आप देखें तो ये जो बाहर का चार्ज है ये माइनस हो जाएगा और अंदर का चार्ज कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब अंदर का चार्ज प्लस हो जाएगा बाहर का माइनस हो जाएगा, तो इसे कहा जाएगा कि सर ये डीपोलराइज्ड हो गया है।
क्या हो गया है, डीपोलराइज हो गया है। तो आप देखिए ये डीपोलराइज हो गया है और इस समय अगर आप यहां पर वैल्यू देखें, डीपोलराइजेशन माने क्या हुआ कि साइट ए पर अगर आप देखें साइट ए पे पोलैरिटी रिवर्स कर गई है, पोलैरिटी क्या हो गई है, रिवर्स कर गई है, एनसीईआरटी यही लिखती है पोलैरिटी रिवर्स कर गई। मतलब क्या हुआ, मैं अगर आपसे पूछूं पोलैरिटी रिवर्स करने का मतलब ये हुआ कि अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो गया बाहर का चार्ज निगेटिव हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाहर का सोडियम मूव करके अंदर आ रहा है, बाहर का सोडियम मूव करके अंदर आ रहा है, इसलिए इसकी पोलैरिटी बिगड़ गई। और इस समय डीपोलराइजेशन की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू +30 से लेके +45 मिलीवोल्ट होती है। ये देखिए +30 से +45 मिलीवोल्ट होती है और ये होता है कि ये प्लस इस माइनस को और ये माइनस इस प्लस को नई सर्किट जनरेट करता है। अगर यहां पर वैल्यू आप देखना चाहते हैं तो देखिए यहां पर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल शुरू हो जाएंगे, ये चैनल बंद हो जाएगा और इन साइड चार्ज जो होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, अंदर का चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे सर +30 से +45 मिलीवोल्ट हो जाएगा। इसी +30 से +45 मिलीवोल्ट जो है इसे हम लोग एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। साइट ए पे जब भी आपको चार्ज -70 मिलीवोल्ट मिलेगा तो अपने आप न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाएगा, बाहर का सोडियम मूव करके अंदर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी और बाहर का सोडियम मूव करके अंदर आएगा, अंदर का चार्ज पॉजिटिव होगा बाहर का चार्ज निगेटिव हो जाएगा, तो हम कहेंगे न्यूरॉन इस पर डीपोलराइज हो गया है। ये पॉजिटिव इस निगेटिव को और ये पॉजिटिव इस निगेटिव को अगला स्टिमुलस देने का काम करेगा। जब अगला स्टिमुलस देने का काम करेगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, चार्ज आगे भागेगा। अब ये पोलराइज्ड है, अगर हम आपसे पूछे यहां की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे सर यहां की वैल्यू -70 मिलीवोल्ट है, मतलब ये न्यूरॉन्स अगला स्टिमुलस लेने के लिए तैयार है। लेकिन ये न्यूरॉन्स अब अगला स्टिमुलस नहीं लेंगे, ये डीपोलराइज है, ये तभी नहीं अगला स्टिमुलस लेंगे जब यहां की वैल्यू कितनी हो जाए, डीपोलराइज जब क्या हो जाए, रिपोलराइज हो जाए। तो लगातार सोडियम अंदर आता रहता है, लगातार सोडियम अंदर आता रहता है, इसका कारण ये होता है। आप एक बात समझे यहाँ पे, एक बात ध्यान दें यहाँ पे, चार्ज की बड़ी टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पे, एक चार्ज की पॉइंट ये है, ये देखिए ये डीपोलराइजेशन आपको तो मैंने पढ़ा दिया। तो डीपोलराइजेशन के बाद यहाँ पर एक दो चांसेस होते हैं, पहले वो आप चांस क्लियर कर लें। न्यूरॉन्स में लगातार जब सोडियम अंदर आता है तो नियम तो ये है कि डीपोलराइज के बाद वो रिपोलराइज हो जाए, लेकिन वो रिपोलराइज ना हो कि न्यूरॉन, वो न्यूरॉन पहले हाइपर पोलराइज हो जाता है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। हाइपर पोलराइजेशन में डिफ्यूजन चलता रहता है, ये बंद रहता है, ये चलता रहता है, और यहां पर ये अंदर का चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है और वैल्यू जो होती है -35 मिलीवोल्ट होती है। जब न्यूरॉन पहले डिपोलराइज होगा, फिर डीपोलराइज होगा, फिर हाइपरपोलराइज हो जाएगा, -35 मिलीवोल्ट अंदर का चार्ज कैसा होगा, पहली बात तो जानिए कि अंदर का चार्ज पॉजिटिव रहेगा, अंदर का चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन इस समय यहां की जो वैल्यू होगी वो -35 मिलीवोल्ट होगी इस जगह की, क्योंकि न्यूरॉन्स का जो कंडक्शन है यूनिडायरेक्शनल होता है और यहां पे वैल्यू कैसी है -70 है। जब तक ये -35 से -70 आएगा तब तक ये अगली सर्किट पूरी हो जाएगी। एक बात समझिए, आपसे कोई ये पूछ सकता है कि अगर सर्किट यहां भी चल सकती है, सर्किट यहां भी चल सकती है तो क्या सर्किट पीछे भी तो जा सकती है, लेकिन सर्किट पीछे नहीं जाएगी क्योंकि ये डीपोलराइज से सीधा रीपोलराइज नहीं होगा, डीपोलराइज से पहले हाइपरपोलराइज होगा, हाइपरपोलराइज होगा, जब तक ये हाइपरपोलराइज से रीपोलराइज होगा तब तक ये पोलराइज से डीपोलराइज हो जाएगा। अब अगला आप देखें, अगला डीपोलराइजेशन के बाद जो अगला स्टेप है उसे हम लोग रीपोलराइजेशन कहते हैं। तो आप देखें यहां पर देखें रीपोलराइजेशन, मैं आपको डीपोलराइजेशन तो नहीं पढ़ा रहा हूं लेकिन मैं सीधे आपको रीपोलराइजेशन पढ़ा रहा हूं। ये देखिए डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन में क्या है भी आप धीरे धीरे बात समझेंगे, रीपोलराइजेशन में लिख देता हूं ताकि आपको बात कंफर्म हो जाए। तो रीपोलराइजेशन क्या होता है कि लगातार जब अंदर सोडियम आता रहता है और यहां पर चार्ज -35 मिलीवोल्ट हो जाता है तो सोडियम का आना बंद हो जाता है, रीपोलराइजेशन में प्रोबेबिलिटी फिर से चेंज हो जाती है। रिपोलराइजेशन में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, अगर आप देखें तो ये सोडियम आयन के लिए क्या होता है इम्परमिएबल, सोडियम आयन के लिए इम्परमिएबल हो जाता है और पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल हो जाता है, पोटेशियम आयन के लिए क्या हो जाता है परमिएबल हो जाता है। इस तरह से अगर आप देखें तो स्थिति क्या है, ये देखिए ये न्यूरॉन है आपका, बोलिए हाँ सर।
अगर आप यहाँ पर देखें, इसके तीन चार पार्ट कर दें हम लोग, तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। अगर आप यहाँ देखें तो अंदर का चार्ज निगेटिव है, अंदर का चार्ज निगेटिव है, बाहर का चार्ज पॉजिटिव है। तो इस समय ये किस स्टेज में है? आप कहेंगे सर ये पोलराइज्ड है, मतलब एक्शन पोटेंशियल लेने के लिए तैयार है। यहाँ पर वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर ये जो है -70 मिली वोल्ट वैल्यू है, ये आगे स्टूडेंट्स लेके चलेगा। अगर आप यहाँ देखें तो इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर गई है। ये देखिए, ये अंदर का चार्ज पॉजिटिव है, बाहर का चार्ज क्या है? निगेटिव है। ये क्या है? डीपोलराइज्ड है। क्या है ये? डीपोलराइज्ड है। डीपोलराइज्ड है तो आप कहेंगे सर ये प्लस इसको और ये प्लस इसको नया सर्किट कंप्लीट कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी क्या हालत है, ये देखिए अंदर का चार्ज निगेटिव है, अंदर का चार्ज निगेटिव है, बाहर का चार्ज पॉजिटिव है, तो आप इसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ये रिपोलराइज्ड है। रिपोलराइज्ड मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? रिपोलराइज में होगा क्या? अब आप देखिए पोटेशियम आयन के लिए परमेबल है, तो अंदर का पोटेशियम मूव करके बाहर जाना शुरू कर देगा। जब अंदर का पोटेशियम मूव करके बाहर जाना शुरू कर देगा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि रिपोलराइज में ये ऐसे ऑन हो जाएगा, पंप शुरू हो जाएंगे, सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल बंद रहेंगे, ये चैनल शुरू हो जाएगा। ये देखिए पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल शुरू हो जाएगा और यहां पर अंदर की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। देखिए बाहर बाहर का ये जो सोडियम है, ये देखिए सॉरी मैंने इसको ये ऐसे कर सकते हैं। तो ये देखिए अंदर का पोटेशियम मूव करके बाहर जाएगा और इस तरह से ये पोलैरिटी क्या हो जाएगी? रिपोलराइज हो जाएगी। तो ये बताइए अब ये पोलराइज किसमें कन्वर्ट होगी? डीपोलराइज होगी। डीपोलराइज क्या होगी? रिपोलराइज होगी। रिपोलराइज क्या होगी? रिपोलराइज मतलब यहाँ की वैल्यू कितनी हो गई? -70 मिली वोल्ट हो गई। डीपोलराइज मतलब यहाँ की वैल्यू कितनी हो गई? +30 से +45 मिली वोल्ट हो गई। इस तरह से आप देखिए तो चार्ज लगातार चलते हैं, यहाँ पर भी वैल्यू -70 मिली वोल्ट होगी और लगातार इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। इस तरह से पोलराइज डीपोलराइज रिपोलराइज से ये चार्ज चलता रहता है। मतलब मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, मोटा मोटा एक बार कॉन्सेप्ट समझ लें आप न्यूरॉन कैसे कंडक्ट करता है। तो मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि पोलराइजेशन में क्या हो रहा है। पोलराइजेशन ये हो रहा है कि ये जो एक्सोनेमा है ये सोडियम आयन के लिए परमेबल है, लेकिन पोटेशियम आयन के लिए परमेबल है, सोडियम आयन के लिए इम्परमेबल है। अंदर का पोटेशियम ऊपर की बाहर जा रहा है, लेकिन बाहर का सोडियम अंदर नहीं आ रहा है। लगातार जब अंदर के प्लस चार्ज बाहर जाते हैं, अंदर के प्लस चार्ज बाहर जाते हैं, तो अंदर का चार्ज कैसा होगा? निगेटिव हो जाएगा, लेकिन बाहर का चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। जब बाहर पॉजिटिव होगा, एक्सोप्लाज्म इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा और ईसीएफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो कहा जाएगा पोलराइजेशन है। इस समय अगर आप नर पे वोल्टामीटर लगाते हैं तो वैल्यू -60 से -85 मिली वोल्ट दिखाएगी, लेकिन -70 मिली वोल्ट नॉर्मली आपको दिखाने देती है, जिसे रेस्टिंग एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। जब आप स्टिमुलस देते हैं, मान लीजिए आपने किसी की नर पे स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस मतलब क्या हुआ? अगर आपको स्टिमुलस समझना है तो बहुत आसान है। ये मेरी उंगली है, आपने यहाँ पर उंगली से चिकोटी काटी, तो जैसे ही आपने चिकोटी काटी तो क्या हुआ? इसकी जो परमेबिलिटी थी ये रिवर्स कर गई। अब परमेबिलिटी क्या हो गई? परमेबिलिटी हो गई कि पोटेशियम आयन के लिए परमेबल है, सोडियम आयन के लिए परमेबल है। जैसे ही आपने चिकोटी काटी, अंदर का सोडियम बाहर का सोडियम मूव करके अंदर आया। जब बाहर का प्लस चार्ज अंदर आया और अंदर के चार्जेस बाहर नहीं गए, तो टोटल अच्छा बाहर का जब सोडियम अंदर आया तो पंप देखिए बंद हो गया है। जब पंप बंद हो गया तो अंदर का टोटल चार्ज कैसा हो गया? आपने कहा सर प्लस हो गया, क्योंकि बाहर का सोडियम आ रहा है, तो अंदर का चार्ज प्लस हो गया, बाहर का निगेटिव हो गया। तो ये जो पोलैरिटी थी वो रिवर्स कर गई। अगर आप यहां देखें तो अंदर का चार्ज निगेटिव, बाहर का प्लस था, लेकिन साइट ए पर अंदर का चार्ज प्लस हो गया, बाहर का निगेटिव हो गया, ऐसा सोडियम आयन के आने से हो गया है। तो आप देखिए इसे डीपोलराइज कहते हैं, क्योंकि पोलैरिटी रिवर्स कर गई है। और आप देखिए डीपोलराइज में क्या हुआ? डिफ्यूजन चल रहा है, पंप बंद हो गए हैं, सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए। जब सोडियम आना शुरू करेगा, सोडियम आना शुरू करेगा तो चैनल बाद में खुल जाएंगे और फिर देखिए अंदर का चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, इस तरह से डीपोलराइज हो जाएगी। और आगे कैसा होगा? अगर ये साइट ए है, मान लेते हैं ये साइट ए है, तो ये क्या है? साइट बी है। तो साइट ए डीपोलराइज है और साइट ए डीपोलराइज और साइट बी क्या है? पोलराइज है।
अगली स्थिति में क्या होगा, इसका प्लस इसके माइनस को, इसका प्लस इसके माइनस को नया स्टिमुलस देगा, सर्किट कंप्लीट होगी और ये देखिए पोलराइज क्या हो जाएगा, डीपोलराइज, और डीपोलराइज क्या हो जाएगा, रीपोलराइज हो जाएगा। लेकिन री होने से पहले क्या होगा, वो हाइपर पोलराइज हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि ये सर्किट इसे कंप्लीट कर रही है, वैसे आप ये भी सोच सकते हैं सर ये भी सर्किट इसे कंप्लीट कर सकती है, लेकिन ये जब ये डीपोलराइज वाला आगे स्टिमुलस दे सकता है तो पीछे भी तो दे सकता है, फिर क्यों यहां नहीं दे सकता है, ये एक ही पे में क्यों बढ़ती है, ये देखिए अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये क्या है, ये सोमा है और ये क्या है, टेलोमेरिया है, तो ये बैक क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वैल्यू -70 डायरेक्ट नहीं हुई, ये वैल्यू कितनी हुई पहले, ये पहले वैल्यू हुई -85 और -85 से -70 हुई, जब ये -85 से -70 हो रही थी तब तक ये -70 थी, इसलिए ये सर्किट कंप्लीट हुई और एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ गया, ये है कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से अगर आपसे कोई न्यूरॉन्स पूछे कि हाइपर पोलराइज होने का फायदा क्या है, हाइपर पोलराइज क्यों हुआ ये लोकेशन, पर डायरेक्ट रीपोलराइज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये हाइपर पोलराइज ना होता पहले, ये अगर हाइपर पोलराइज ना होता, हाइपर पोलराइज ना होता मतलब इस जगह की लोकेशन, इस लोकेशन की वैल्यू -35 mV पहले ना रहती तो अगर एक्शन पोटेंशियल आगे जा सकती है, ये आगे जा सकती तो पीछे भी तो आ सकती थी, इसलिए जब तक ये -85 से -70 हुआ तब तक एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ गई। तो आखिर में कितना टाइम है जब ये -85 से -70 हुआ, वो टाइम है 1/1000 सेकेंड, और इसी टाइम को हम लोग रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। कौन सा पीरियड कहते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड है ये। रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब ये हुआ कि न्यूरॉन अगले स्टिमुलस लेने में, पोलराइज से रिपोलराइज होने में जो टाइम न्यूरॉन लेता है उसे हम लोग रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। मतलब हम न्यूरॉन को 1 सेकेंड में 1000 स्टिमुलस दे सकते हैं। अब आप बताइए ये न्यूरॉन कब कोई स्टिमुलस लेगा, जब ये पोलराइज होगा या रिपोलराइज होगा, जब यहां पर वैल्यू -70 mV होगी, लेकिन -70 होने से पहले कितनी हो गई थी, -85 हो गई थी, तो -85 से -70 होने में इसको टाइम कितना लगेगा, 1/1000 सेकेंड, इस टाइम को हम लोग रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं, या रिफ्रैक्टिव पीरियड को आप ऐसे कह सकते हैं कि सर वो टाइम जिसमें न्यूरॉन जो है डीपोलराइज से रिपोलराइज होता है, मतलब नया एक्शन पोटेंशियल लेने के लिए जनरेट होता है, मतलब तैयार होता है। इस तरह से स्टेबल में आप देखें तो ऐसे ही एक्शन पोटेंशियल चलती है, पहले ये देखिए यहाँ पर पोलराइज है, यहाँ डीपोलराइज है, यहाँ रिपोलराइज है, रिपोलराइज के पहले कैसा होगा, हाइपर पोलराइज होगा, और एग्जाम ये देखिए ये सोमा है और एग्जाम इसे टेलोमेरिया की तरफ लेके निकलता चला जाता है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट चैनल समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान आपको रखना है कि डीपोलराइज कंडीशन में ये जो पंप है, सोडियम आयन पोटेशियम पंप, आयन पंप है, ये पंप बंद होता है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। अगर ये पंप बंद नहीं होगा तो क्या होगा, डीपोलराइज में अगर ये पंप नहीं बंद होगा तो जितना सोडियम अंदर आ रहा है उतना सोडियम फिर से फेंका जाएगा, और इस चक्कर में अंदर का चार्ज जो है प्लस नहीं हो पाएगा, इसीलिए पंप बंद है डीपोलराइज कंडीशन में। तो पहले नर्व क्या होगी, पोलराइज्ड परमिटिविटी लिखी हुई है, फिर क्या होगी, डीपोलराइज्ड परमिटिविटी लिखी है, फिर क्या होगी, हाइपर पोलराइज रिपोलराइज परमिटिविटी लिखी हुई है, चार्जेस लिखे हुए हैं। आपको क्लियर होना चाहिए कि न्यूरॉन्स ऐसे चलते हैं, पहले पोलराइज, डीपोलराइज, रिपोलराइज। पोलराइज मतलब अंदर का चार्ज नेगेटिव, बाहर का पॉजिटिव, जहां पर स्टिमुलस दिया चार्ज पलट गया, अंदर का पॉजिटिव बाहर का नेगेटिव, आगे नॉर्मल है, फिर क्या होगा, फिर पोलराइज, डीपोलराइज, रिपोलराइज, ऐसे न्यूरॉन्स आगे चलते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि सर ये जो नर्व कंडक्शन है, आप ये याद रखिएगा, सर ये जो नर्व कंडक्शन है, ये जो नर्व कंडक्शन है ये यूनिडायरेक्शनल है। कैसा है, ये यूनिडायरेक्शनल है, एक साइड में चलती है। यूनिडायरेक्शनल क्यों है, क्योंकि यहां पर वैल्यू -35 से जब -70 होती है उतनी देर में ये अगला स्टिमुलस, अगली सर्किट कंप्लीट हो जाती है, यूनिडायरेक्शनल है। और दूसरा फॉलो कर सकते हैं कि सर ये आल आर नन रूल को फॉलो करता है, आल आर नन रूल को फॉलो करता है ये न्यूरॉन। ये है कॉन्सेप्ट कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है। तो अगर आपको एक्शन पोटेंशियल नहीं बढ़ानी है तो वैल्यू कितनी करेंगे, -35 mV। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करनी है वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -70 mV। रेस्टिंग एक्शन पोटेंशियल -70 mV, एक्शन पोटेंशियल +30 से +45 mV। रिफ्रैक्टिव पीरियड जब वो डीपोलराइज से रिपोलराइज होती है तो उसमें लगे हुए समय को हम लोग रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं, और वो टाइम है 1/1000 सेकेंड,
1/1000 सेकेंड। इसका मतलब एक हम नर्व सेल को एक सेकेंड में 1000 बार स्टिमुलस दे सकते हैं। तो आपको ये बात अच्छे समझनी है, पोलैरिटी का ध्यान